हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। आप देखेंगे जो लास्ट सेशन में इसकी क्लोजिंग थी वो फ्लैट थी 12.65 पे, और हम वन वीक का देखेंगे तो नेगेटिव 4% का इसका रिटर्न रहा है, और वन मंथ का देखेंगे तो नेगेटिव 11% रहा है। अब ये लेवल पे हमें क्या करना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। पहला तो ये बात है कि येस बैंक में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, 400 की भी खरीदी है, 300 की भी है, 200 की भी है, और नीचे जिन्होंने लिया है एफपीओ पे लिया था उनको भी लग रहा है कि क्या करना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं इसमें न्यू एंट्री जिसको करना है वो बहुत कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो कर सकता है, बट इसको मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से येस बैंक का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट रहेगा। जितना नेगेटिविटी इसके बारे में फैलाई जा चुकी है वो अब इसका जो फंडामेंटल है वो चेंज हो रहा है, और उस ये बोलने के पीछे क्या रीज़न है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टिकर टिप के हिसाब से जो एंट्री पॉइंट है ये इट इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस येस बैंक के लिए। आगे हम देखते हैं येस बैंक की डिलीवरी। तो येस बैंक की जो डिलीवरी उठ रही है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 34.4% की डिलीवरी उठी है। 6 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं जिसमें से 2 करोड़ से ज़्यादा की डिलीवरी उठी है, तो ये एक अच्छा डिलीवरी माना जाएगा। अब क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप होल्ड इसे कर सकते हैं। येस बैंक का आप जैसे देखिए, जब मैनेजमेंट चेंज हुआ SBI के और सारे बड़े बड़े बैंक्स के ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, और जो मैनेजमेंट के पोजिशन पे अलग अलग लोग आए हैं, तो उनका पहला जो रीज़न था या पहला जो उनका एम है वो है कि जो रिकवरी है वो हमें बहुत स्ट्रांग करनी है। दूसरा, जो डिसबर्समेंट है वो तो अब बहुत स्ट्रांग हो ही चुका है, तो उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब ये जो न्यूज़ आ रही है वह येस बैंक पुट्स SL ग्रुप प्रॉपर्टी ऑन सेल टू रिकवर 1500 करोड़ ड्यूज। तो SL ग्रुप जो सुभाष चंद्र जी की ग्रुप ये कंपनी थी, उसका प्रॉपर्टी वो ऑक्शन करने जा रहे हैं। येस बैंक हैज पुट प्राइम प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सुभाष चंद्र SL ग्रुप टू कवर 1500 करोड़। द बैंक हैज पुट 2 SL ग्रुप इंफ्रा ओन्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन मुंबई एंड 1 बंगलो ओन्ड बाय SL ग्रुप इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लुटियंस बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे जो बंगलो है उसको येस बैंक है सेट द रिजर्व प्राइस ऑफ 430 करोड़ फॉर द बंगलो इन लुटियंस। एंड इसके अलावा जो 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है मुंबई में जो उन्होंने निकाली है वो 10.5 करोड़ ईच, ये उन्होंने रिजर्व प्राइस रखा है ऑक्शन करने के लिए, और इसका जो ई ऑक्शन है वो 10 नवंबर को होगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि ये रिकवरी काफ़ी फोकस है उसमें और ये अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। इसके अलावा एक सेकंड जो न्यूज़ है वो ये है कि सिंह ब्रदर्स जो हैं, जो अब द हाईकोर्ट अलाउस येस बैंक टू ऑक्शन सिंह ब्रदर्स प्रॉपर्टी विद अ राइडर। सिंह ब्रदर्स इनका काफ़ी आप फोर्टिस जो है फोर्टिस हेल्थ केयर इनकी थी और इन्होंने जो बाद में सेल की थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज अलाउड येस बैंक टू ऑक्शन द प्रॉपर्टी दैट द सिंह ब्रदर्स ऑफर्ड एज कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन दे लेटर डिफॉल्टेड ऑन। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें वो सेल करने का ये दे दिया है, परमिशन दे दिया है। येस बैंक हैड सेंक्शन 2 लोन्स 500 करोड़ एंड 565 करोड़ बिटवीन 2015 and 2017 टू द कंपनीज कंट्रोल्ड बाय सिंह ब्रदर। द लोन वेर डिक्लेयर्ड NPA आफ्टर अ डिफॉल्ट इन 2019। तो ये इन्हें परमिशन मिला, बट जापान के डाइची जो कंपनी है उसने इस ऑर्डर को अपोज किया है। वो कहते उसको 3500 करोड़ इनके सिंह ब्रदर्स से लेना हुआ है, बट कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि येस बैंक कैन सेल द प्रॉपर्टी एंड आफ्टर सेलिंग द प्रॉपर्टी जो भी उससे रिसीव होता है अमाउंट वो एस्क्रो में रखेंगे, और जब भी उसका डिसीजन आएगा तो उस डिसीजन पे फिर वो पैसे येस बैंक को
या डाइची को, जिसको भी फेवर में आता है वो उसको मिल जाएगा। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर ने भी उस पर क्लेम डाला था, बट कोर्ट ने उसके क्लेम को खारिज कर दिया है, सेइंग दैट दे डोंट हैव द डिग्री वाज नॉट पास्ड इन दैट, इनके फेवर में नहीं पास हुआ था। तो डाइची और येस बैंक का उस पर क्लेम है, बट फिलहाल येस बैंक को ऑक्शन करने का परमिशन मिला है, तो येस बैंक का जो क्लेम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। तो ये जो दो चीज़ें हैं कोई भी बैंक के लिए, वो भी येस बैंक जैसी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, जो बहुत नेगेटिव हो चुकी थी सिर्फ इसलिए कि उसकी उन्होंने काफ़ी बैड लोन्स हो गए थे उनके, और उनके जो पिछले प्रमोटर थे उन्होंने काफ़ी बैड लोन बांट के रखे थे एंड रिकवरी उसकी प्रॉपर नहीं हुई थी। तो अब जो न्यू मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जो उनका फोकस्ड वे ऑफ रिकवरी है उस पर बहुत ही स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। आइए हम टेक्निकल भी ज़रा देख लेते हैं। तो ये वन ईयर का हम अगर ग्राफ निकालें तो जो मेजर सपोर्ट था वो 25 के आसपास था, बट जैसे ही FPO अनाउंस हुआ ये नीचे आ गया, 10 के आसपास आ गया था, 10 11 तक। अब ये ऊपर है बट ये इन द रेंज ऑफ 12-13 यही चल रहा है। तो ये पोजीशन पे मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जिट मुझे नहीं लगता, क्योंकि डाउनसाइड इसका लिमिटेड है। फिर भी आप एक 11 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं नीचे में, एंड ऊपर में आपको ये देखना है कि ये 16 पार करे, ये एक बार जब 16 पार करता है तो ये एक पॉजिटिव जोन में आ जाएगा, और हम बहुत ये करें तो एक आप समझिए कि एक दो क्वार्टर इसको चाहिए और आपके को काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दे सकता है। एक या दो क्वार्टर अगर जो वेट कर सके तो उसको इसको होल्ड करना चाहिए। न्यू एंट्रेंट को अब अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो हम कहेंगे कि रिस्की तो है, बट आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 11 रुपीज़ का इसको बाय कर सकते हैं, और इसमें डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न निकल के आएगा। और ये 15-16 अगर ये स्टेबली क्रॉस करता है और थोड़ा ऊपर रहता है तो आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा वो अराउंड 19 के आसपास होगा। 19 ये क्रॉस करता है तो ये 26 तक जाएगा, और लॉन्ग रन में अगर 5 से 8 साल का आपका नज़रिया है तो ये आपको 3 डिजिट में ज़रूर दिखेगा। ये काफ़ी अच्छा इनका जो भी रिवैम्प हुआ है, जो न्यू मैनेजमेंट है उसका, वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। बट बैंकिंग सेक्टर एज अ होल अभी एक नेगेटिव ट्रेंड में है। उसके अलावा येस बैंक काफ़ी नेगेटिव हो चुका था, उस वजह से काफ़ी रिलेक्टेंट हैं लोग इसमें, और जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी काफ़ी कॉशियस रहे, इसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। थैंक यू वेरी मच, ये था आज के लिए। थैंक यू।